गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोग के बीच मैं सागर कुमार मिश्रा, केके कैंपस कोचिंग के डायरेक्टर, आज आप लोग के लिए ग्रामर के बहुत बड़े बड़े से वाक्य लेके आया हूँ। देख रहे हैं आप, और इसको आप एकदम शॉर्ट में बना सकते हैं, एकदम शॉर्ट में। आप लोग का प्यार आशीर्वाद जिस तरह हमारे चैनल पर बन रहा है, बनाए रखिए। और हमारे नए चैनल यूट्यूब पर मैथ प्रोफेसर जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, धन्यवाद। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं आज पापा के साथ घर में छत पर पेड़ के नीचे मम्मी के लिए खाना पका रहे थे। तो पहले आप इसमें देखिए एक टेंस कौन सा है, पहले आप टेंस पकड़िए। ये आपका टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, समझ ही रहे हैं बस आधे, पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें आपको तीन चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट जिसके द्वारा काम किया जाए, हेल्पिंग और सहायक क्रिया, वर्ब जो होता है कार्य। देख रहिए, मैं आज पापा के साथ घर में छत पर पेड़ के नीचे मम्मी के लिए खाना पका रहा था। देखिए, पहले आपको तीन चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, मैं के साथ आई साथ क्या रखता है, वाज। अब पकाना क्या होता है, कुकिंग। बस इतना आपका मेन था, जहाँ पर ब्लू लाइन, ये देखिए अंडरलाइन कर दी। बस अब बाकी जो बचे हुए वर्ड हैं, हमारे बचे हुए शब्द हैं, वो हमारा क्या होता है, अदर वर्ड। इसकी स्पेलिंग आप चाहे जैसे लिख दो, फूड फॉर मदर, अंडर द ट्री, इन द हाउस विथ फादर, टूडे। मदर मतलब माता, अंडर मतलब नीचे, ट्री मतलब पेड़, हाउस मतलब घर, विथ मतलब साथ, फादर मतलब पिता, टूडे मतलब आज। ठीक, मानी बात नहीं है कि मदर को पहले लिखें, फादर लिख दीजिए, किसके लिए, मम्मी के लिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देते हैं। सचिन सोमवार को धोनी के साथ मैदान में भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा, गागेगी, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान क्या होती है, विल, शैल। सचिन एक वचन है, सचिन विल प्ले, बन गया आपका वाक्य। क्रिकेट किसके लिए खेलेगा, इंडिया के लिए, फॉर इंडिया। कहाँ खेलेगा, ग्राउंड में, इन द ग्राउंड। किसके साथ, विथ धोनी। कब खेलेगा, ऑन मंडे। ठीक, मैं कल छत पर भाई के साथ पापा के सामने मोबाइल नहीं चला रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब। आई वाज नॉट यूजिंग मतलब चलाना होता है मोबाइल, इन द फ्रंट मतलब सामने, किसके सामने, पापा के मतलब ऑफ फादर, ऑफ फादर, विथ किसके साथ, ब्रदर, भाई के साथ, ब्रदर। ऑन द रूफ छत पर, स्टडी मतलब कर बीता हुआ। क्या हुआ, 2 साल पहले आगरा में परिवार के साथ ताजमहल देख चुका है। WH फैमिली में पहले हम सहायक क्रिया शुरू करते हैं, हैज, ही, सीन। अब देखिए यहाँ सीन क्यों लगे दोस्तों, सीन इसलिए लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दिया। हैज ही सीन द ताजमहल विथ फैमिली इन आगरा बिफोर 2 ईयर। यहाँ लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलिए। आपको थर्ड फॉर्म आना चाहिए, जैसे गो, वेंट, गॉन, जियो या नहीं, देखिए ऐसे सी सा सीन देखना का। जैसे देखिए दोस्तों, लास्ट वाक देखिए, आकाश आज दोस्तों के साथ दिवाली के लिए लाल किले के सामने पटाखे क्यों खरीद रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पटाखे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रैकर्स, CRACKERS, क्रैकर्स मतलब होता है पटाखे। वाई वाज आकाश बाइंग क्रैकर्स इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट ऑन दिवाली विद फ्रेंड टूडे।